पहुंचाए बीजेपी कैंडिडेट रामकृष्ण घोष इज कॉन्फिडेंट ऑफ रिटेनिंग द सीट फॉर द बीजेपी. आवर कलीग जॉयदीप हजारिका कॉट अप विद घोष, सो लेट्स लिसन इन. कृष्ण जी, आज आखिरी दिन है, पूरा जोर तोर का कैंपेनिंग चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा पोजीशन है बीजेपी का? ये तो आप देख ही रहा है पब्लिक इतना जोर शोर से आ गया है कि बीजेपी को जिताना है और बीजेपी जीत चुका है. सारे हुजाई का एक ही बात है, हर लोग, हर घर, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माँ, हर बेटी, हर लोग. इसलिए एक्सप्रेशन यू है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा एक स्थिति ओनली बीजेपी को ही मिल. पहले कांग्रेस का भी एक रैली निकला, देखा 10-15 तो लोग निकला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे पता चलता है कि बीजेपी के साथ इतने लोग आए हैं और आने के बाद हम क्या और कह सकते हैं. क्या लगता है वो कितना मार्जिन से जीतने का उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मार्जिन था 155,000 से 60,000 वोटों में, अभी लगता है कि और ज्यादा वोटों से जीत सकते. ये अर्जेंद्र देव जी ने रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला. क्या लगता है आपको उनके ज्वाइन करने से बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिला है? काफी मदद मिलेगा, उनका भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो भी आगे आ चुका है. मीनवाइल कांग्रेस कैंडिडेट देवव्रत साहा हैज एक्सुडेड कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग विद ओवर 30,000 वोट्स फ्रॉम होजाई कॉन्स्टिट्यूएंसी विच विल गो टू पोल्स इन द सेकेंड फेज. साहा ऑल्सो एडेड दैट ही विल एड्रेस की इश्यूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर सप्लाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन होजाई, ए वोटेड टू पावर. कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन है, इतने दिनों से होजाई में जो है काफ़ी ज़ोर तोर की कैंपेनिंग चल रही है, क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है आपको सीन, मतलब कांग्रेस के लिए और क्या लगता है? कांग्रेस के लिए इस बार होजाई समष्टि बहुत अच्छा है. मैंने 25 से 30 हज़ार वोट से विजयी हूँ इस बार. यहाँ पे आप लोग कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप लोग उठा रहे हैं वोटर्स के सामने कैंपेनिंग के दौरान? एक में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट मेन समस्या, वही मेन मुद्दा है आपका. सड़क का समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है होजाई में, ये चार समस्या मेन समस्या है होजाई के लिए. और इस बार ये एक और चीज़ हुआ है कि आपको ये आपको इस बार टिकट मिला, लेकिन वो शुरुआत में ये था कि अर्जेंद्र डे को जो है उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया. क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि इसके वजह से आपके वो ये कैंपेनिंग पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, अर्जेंद्र डे सर आपका हम लोग का लोकसभा का इलेक्शन का पहले से बीजेपी का एजेंट हिसाब से काम कर रहा था होजाई में. अभी जो बीजेपी में चला गया, इसलिए बीजेपी से अभी आज तक मिनिमम 5,000 वर्कर आके आप कांग्रेस में ज्वाइन किया, तो दो आदमी जाने के बाद अगर 5,000 प्लस होता है तो बेनिफिट किसको मिला?